हेलो माई डियर स्टूडेंट्स होप यू ऑल फाइन सेफ एंड हेल्दी एट ए होम एंड एन्जॉइंग यू ऑनलाइन क्लासेज टुडे शुरबी गिरोटी और साइंस टीचर वेलकम यू ऑल इन आवर स्कूल चैनल सिम्स ऑफिशियल स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अव न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर फोर्टीन वाटर 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 का मीन आप सबको ही पता होगा पानी है ना हमारी ह्यूमन बॉडी में सेवेंटी परसेंट वाटर है हमारे अर्थ जो है थ्री बाय फोर पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है आपकी जो फैमिली है उनको क्या है वन बकेट ऑफ वॉटर मिलता है एक वीक के लिए सिर्फ आपको एक बकेट वॉटर मिलेगा इमेजिन वॉट वुड है इमेजिन करिए कि कैसे होगा भाई आपको तो सारे काम करने हैं आपके घर के वाटर के साथ तो बहुत सारे काम होते हैं ना तो वो आप सब कैसे करेंगे क्या आप खाना बना पाएंगे बिना वाटर के क्या आप अपने यूटेंसिल क्लीन कर पाएंगे क्या क्लोथ वॉश कर पाएंगे या आप बात करेंगे उस एक वाटर एक बकेट वाटर से है ना सारे काम तो नहीं कर सकते वॉट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट एबल टू डू अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप बिना वाटर के नहीं वाटर के बिना नहीं कर पाएंगे है ना अगर आपको वाटर नहीं मिलेगा तो आप वो नहीं कर पाएंगे वट वुड हैपन इफ वी डू नॉट हैव इजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा अगर हमें एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें ईजिली वाटर अवेलेबल ना हो तब हम क्या करेंगे ना बिना वाटर के तो हमारी मतलब हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट वाटर अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देर आर सो मेनी एक्टिविटीज फॉर विच वी यूज वाटर ड्रिंकिंग के अलावा ड्रिंकिंग को छोड़ के ड्रिंकिंग को हम पानी पीने को हम छोड़ भी दें बट उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं हमारी डेली लाइफ जिन की जिनमें हमें वॉटर की नीड है डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वॉटर वी यूज इन अ सिंगल डे अब आप इस बात का आइडिया लगा सकते हैं इस चीज का आइडिया आप लगा सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में आप वॉटर को यूज करते हैं एक सिंगल डे में देखिए ये कितने सारे काम कर रहे हैं न यहाँ पे वॉशिंग क्लोज रहे हैं ये बात कर रहा है आपको घर में जो मम्मी कुक करती हैं वाटर से ही वाटर की हेल्प से भाई जब तक वेजिटेबल को आप वॉश नहीं करेंगे वेजिटेबल का आप यूज कैसे कर पाएंगे है ना कैसे बना पाएंगे उसे बिना वाटर के नाउ कंटिन्यू विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट हाउ मच वाटर डू वी यूज कि हम कितना वाटर यूज करते हैं लेट एस कंटिन्यू विद एक्टिविटी वन लेट ऑल द एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे अब आप उन सारी एक्टिविटीज़ को लिस्ट करिए एक दिन में जिसमें हाँ आप वाटर का यूज़ करते हैं ठीक है सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल फोर्टीन पॉइंट वन इसमें आप कुछ एक्टिविटी आपको दी भी गई हैं भाई ड्रिंकिंग में ब्रशिंग में बाथिंग में वॉशिंग यूटेंसिल्स में वॉशिंग क्लोथ्स में टॉयलेट में टॉयलेट में, में क्लिनिंग फ्लोर में एनी अदर जो भी आपको एक्टिविटीज़ जो आपको याद आ रही हूँ आप इसमें आप फिल कर सकते हैं और वो आपको अमाउंट लिखना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर आप यूज कर रहे हैं अब टोटल वाटर यूज इन अ डे बायमिली अब एक पर्सन का नहीं आपको अपनी फैमिली मेंबर्स का टोटल काउंट करके आपको अमाउंट ऑफ वाटर लिखना है कि आप कितना यूज कर रहे हैं इन अ सिंगल डे मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक इसी तरह की टेबल आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर ईच एक्टिविटी टू यू एंड अदर फैमिली मेंबर्स ओके यू मे यूज अमग अ ग्लास अ बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मीजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज अब आप कितने भी किसी भी चीज का आप यूज कर सकते हैं भाई आप चाहे मग को आप मेजरमेंट मान लीजिए डिवाइस ऑफ मीजरमेंट मान लीजिए या फिर ग्लास को मान लीजिए डिवाइस ऑफ मेजरमेंट बकेट को मान लीजिए या किसी दूसरे भी कंटेनर को मान लीजिए तो आपको वही कंटेनर का जो है आपको मेजरमेंट वो उसमें आपको शो करना होगा ओके

यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट दॉटर इन अयर अब आप इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप ये पता लगाएंगे की एक ईयर में आपकी फैमिली के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ वॉटर यूज किया गया नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ में फैमिली अब आप क्या करें इस अमाउंट ऑफ वॉटर को अपनी फैमिली मेंबर्स के बीच में आप डिवाइड कर दीजिए जितना आपने वॉटर यूज किया है ठीक है दिस आई विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वॉटर नीडेड बाई वन में इससे क्या पता चलेगा कि आपकी फैमिली एक ईयर में एक फैमिली मेंबर ने कितना मतलब कितना आपको ये पता चले जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ वॉटर एक मेंबर ने आपकी फैमिली के यूज किया ठीक है आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा इस बात का अब इस तरह से आप अपने विलेज में आप अपने टाउन में जितने लोग रह रहे हैं उसका एस्टिमेशन आप गेस कर सकते हैं यू मे नाउ गेट एन आइडिया द ऑफ वाटर नीडेड बाई विलेज और टाउन ईयर अब इस तरह से आपको क्या पता चल जाएगा कि एक ईयर में आपके विलेज में कितने लोगों मतलब आपके विलेज में कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज हुआ